एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, काफ़ी सपनों को लेकर उड़ान भरना चाहती थी, मिडिल क्लास फैमिली से एक मिसाल बन इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो कितने भी सख्त बन जाओ, ये नज़रें किसी की नज़र में खो ही जाती हैं, टीनेज है, अट्रैक्शन तो ही जाती है। वो कहते हैं ना, सच्चे दिल से प्यार करने वाले बस मुंह देखते रह जाते हैं, भोली भाली सुंदर लड़कियों को बस स्टडी पसंद आते हैं। अनजान से दोस्त दोस्ती से लगाव हो गया, होना क्या था, बेखबर कुछ बातों से उसे एक प्लेबॉय से प्यार हो गया। अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, सारा दिन साथ बैठते थे, अपनी सारी बात एक दूसरे को कहते थे। उसके पीछे वैसे बहुत लड़के पड़े थे, लेकिन उसे पसंद वही आया जो सबके पीछे पड़ा था। अब 9 नवंबर को उनकी पहली किस हो गई, 16 नवंबर को उनकी एक डेट फिक्स हो गई। चैन से मिलने के लिए उसका दिल बड़ा बेकरार था, अपनी पहली डेट का उसे बेसब्री से इंतज़ार था। अब वो आई, जब मानो इतनी सुंदर थी वो कि जो देखे वो देखता ही रह जाए, इस तरह बनकर आई वो, चेहरे पे चमक, अदाए मानो सीधा कुदरत से उतर कर आई हो। आते ही उसने सवाल किया, कैसी लग रही हो, अच्छी ना, देखो 6 बजे तक मुझे वापस आना है, अब बताओ कहाँ जाना है। वो लड़का उसके लिए रोज़ ले गया, चॉकलेट ले गया, और उसे पहले ही डेट पे ओयो ले गया। अब वहाँ जाते हुए वो थोड़ा घबरा रही थी, उसे कहीं और चलने के लिए मना रही थी, ना जाने वो क्यों ज़रा भी ना माना, भोली भाली सुंदर लड़की ने उसे अभी भी ना जाना। दोनों बैठकर प्यार भरी बात कर रहे थे, एक दूसरे का फ़ोन चेक करके लड़ रहे थे, अचानक उसे चक्कर आने लगा, आँखों के आगे धुंधलापन छाने लगा, देखते ही देखते वो अपने होश खो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हैरान ना हुआ वो, जिसे वो प्यार करता था वो बेहोश हो गिरी पड़ी थी, होता भी कैसे, उसने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई जो मिला ली। कुछ घंटों बाद लड़की की आंखें खुली तो उसने देखा ड्रामेबाज को उसका सर सहला रहा था, आपको हुआ क्या है, रो रो कर चिल्ला रहा था। वो हड़बड़ा हट में उठी और टाइम देखा तो 6:15। घर वालों के डर की वजह से वो हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर आ गई। अब कुछ दिनों बाद जब उनकी यूं ही बहस हो गई तो बहस के बीच में ना जाने वो क्यों रो गई। इस बार मैसेज अपने साथ एक आंसू लाया था, किस्मत से हार चुकी वो, उसके पास उसी का MMS आया था। दिल और दर्द के बीच एक ऐसे हालात आ गए, खुद को इस हालत में देख उसके खुद के आंसू आ गए, मानो उसकी ज़िंदगी का सबसे चमकीला तारा टूट गया, प्यार इश्क मोहब्बत से उसका विश्वास उठ गया, उसकी जुल्फे उसके चेहरे से हटा रहा था, एक दरिंदे की तरह वो उसका सीना दबा रहा था, खुद को ढककर रखने वाली वो उसके कपड़े उतार रहा था, अपनी ज़रूरत के लिए वो किसी की ज़िंदगी उजाड़ रहा था, अपनी प्यास बुझाने के लिए वो उसे रोज़ मिलने बुलाता था, मना करती थी उसे तो वो न्यूड्स के नाम पर डराता था, मजबूरी में वो अपनी ही जज्बातों से खेल रही थी, अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी। अब वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, डार्क सर्कल्स, हमेशा चुप रहना, काफ़ी बीमार होने लगी थी, मतलब मानो जिंदगी से हार चुकी वो अकेली होने लगी थी। उसकी आंखों के आगे वो दूसरी लड़कियों को हाथ लगाता था, अपनी सारी बातें उससे धमकी देकर मनवाता था, जहरीले कांटे वो अपने बदन पे हर रोज़ चुभवाती थी, ना चाहते हुए भी अपना हर रोज़ बलात्कार करवाती थी। अब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि जब वो टेस्ट में फेल हो गई तो उसने डिसाइड किया कि अब और नहीं सहना, कर दिया मैसेज, अब मुझे नहीं रहना, मैं क्या सह रही हूँ ये नहीं बता सकती, बहुत हुआ ये रिश्ता, मैं और नहीं बता सकती। इसी के चलते उनकी काफ़ी बड़ी बहस हो गई, वो सूजी हुई लाल आँखें लेकर वो रोते रोते सो गई। सुबह उठी तो उसने चेक किया कि उसके पापा दरवाज़ा खटखटा रहे थे, फ़ोन चेक किया तो दोस्तों के कॉल आ रहे थे, कपड़े पहन रखे थे, फिर भी वो अपने हाथ से अपना बदन छिपा रही थी, आईने के आगे बिना चिल्लाए लगातार आंसू बहा रही थी, मानो कि उसके आसमान के सारे सितारे रूठ गए, पल दो पल में उसके सारे सपने टूट गए। ये तूफान कैसा जो एक ज़िंदगी तबाह कर दी थी, गुस्से में आकर उस लड़के ने कुछ फोटोज़ पोस्ट कर दी थी। काफ़ी देर तक जब वो बाहर ना आई तो घर वालों ने उसे पुकारना शुरू किया, कोई जवाब ना मिला तो दरवाजे पे मारना शुरू किया, दूसरी चाबी से जब दरवाज़ा खोला तो सबकी आंखें फट रखी थी, पंखे पे एक नन्ही सी जान फांसी पे लटक रखी थी।
मजबूर अपनी जिंदगी से मदद किसी को वो ले ना सकी, गहनी की तरह इज्जत को पहन कर रखने वाली वो सदमा सह ना सकी। उसकी माँ सदमे में चली गई, पिता की गोद में खेलने वाली लाडली वो इस दुनिया से चली गई। एक बार उठ जा, बस एक बार उसके भाई पुकार रहे थे, उसके दोस्त उसे रो रो कर निहार रहे थे। एक ही रात में सब खराब हो गया, सिर्फ हवस की वजह से कितना कुछ बर्बाद हो गया। उस लड़के को तो जेल हो गई, पर उसका क्या, जो वापस नहीं आ सकते, पहले की तरह एग्जाम में आंसर्स नहीं बता सकते। सुहाना सफर चल रहा होता है, फिर अचानक तूफान आ जाते हैं, हवस की वजह से ना जाने कितनों के जज्बात तक पहुंच जाते हैं। पहले तो खुद ही हजारों वादे करवाते हैं, कमर पकड़ते पकड़ते वो ब्रा के हुक तक पहुंच जाते हैं, सौ कसमें देने के बाद फिर तुम्हें मनाते हैं, और जिनको समझते थे चमत्कार वो बलात्कार कर जाते हैं। इन चीज़ों से तुम्हारी तो लालसा मिट जाती है, मगर औरों के लिए जीना नरक होता है। मुश्किल है समझना, लेकिन हाथ पकड़ने में और आँख सामने में बहुत फर्क होता है। आँख बंद करके किसी पे विश्वास मत करना, हवस के पीछे किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना।